Hello students, let's introduce with a new chapter of science. Today we have lemon, bitter gourd and sugar. These have different kinds of taste. Like lemon has sour taste, bitter gourd has bitter taste and sugar has sweet taste. Means lemon kaisa hai taste mein? Khatta. Bitter gourd kadwa aur sugar meethi. Aisa kyun hota hai students? ऐसा होता है इनके अंदर प्रेजेंट एसिड्स बेसिस इन सॉल्ट्स की वजह से यही इनको डिफरेंट टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. इन 17th सेंचुरी केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल हैज लेबल्ड द सब्सटेंसेस एज एसिड्स एंड बेसिस. इन्होंने ही हमें एसिड्स और बेसिस के बारे में बताया था स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एसिड्स एंड डिफरेंट बेसिस. नाउ our objectives of this chapter. At the end you will able to answer these questions. First is define acids, bases in salt, and then second is list the properties of acids and bases. You will get to know these properties. Students, in your daily life you had taste different kinds of fruits and juices. You might get some fruits and juices are sour in taste. Generally, the sour tasting fruits have an acid in them, which named citric acid. ज़्यादातर students, जितने भी खट्टे फल होते हैं उन्हीं में citric acid पाया जाता है, जैसे कि lemon, orange and amla. But what is acid? Acid is the Latin word acer, which means sour, यानी कि खट्टा. Acid is found in different kinds of natural substances like fruits and vegetables. Have you ever felt ant sting or bee sting? आपने देखा होगा जब भी हमें एक चींटी काटती है या मधुमक्खी काटती है तो हमें एक जलन सी फील होती है, वो एसिड की वजह से. And different kinds of fruits and vegetables have different kind of acids. Like the fruits orange, grapes, mandarin and lemon has an acid, citric acid. But the vinegar bottle in your kitchen has an acid, dilute acetic acid. Similarly, ascorbic acid is found in guava, orange, raspberries. Next, malic acid is found in many fruits. But apple has an higher amount of ascorbic acid. It is rich source of ascorbic acid. Most of you like cheesy pizza. Students, cheese and curd. In dono mein kya hota hai? Lactic acid. And next we will study about bases. Generally students, apne ghar pe apni mamma ko kisi detergent powder se ya fir soap se kapde wash karte hue dekha hoga. Soaps taste mein kaisi hoti hain? Kadvi. और जब हम उनको अपने हैंड्स पे अप्लाई करते हैं तब वो हमें सोपी टच देती हैं. मींस बिल्कुल स्लिपरी फीलिंग. दैट्स व्हाई व्हाट आर बेसिस. बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस हुज एक्वस सॉल्यूशन हैव अ बिटर टेस्ट एंड अ स्लिपरी फील. मींस जो सब्सटेंस कड़वे होते हैं और स्लिपरी फीलिंग देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिस. एंड वाटर सॉल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली. नाउ एल्कली वर्ड कहाँ से आया? अरेबिक वर्ड एल्कली से, जिसका मीनिंग है एशेस. इनकी रेफरिंग टू द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एल्कलाइन सब्सटेंस, जहाँ से हमें एल्कलाइन सब्सटेंसेस मिलते हैं, दैट इज एशेस. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट इज लाइम? लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट, लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर किया जाता है? वाटर के अंदर लाइम ऐड करके. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. It is a medicine of curing the acidity. This medicine has a base named magnesium hydroxide, which helps in digesting the food and removing the acidity. Next to the base is baking soda, जिसे हम कहाँ use करते हैं? Kitchen में different different projects बनाने के लिए, जैसे कि cake, breads and pastries. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने अपनी मॉम को अपनी जो विंडोज़ होती हैं उनको क्लीन करते हुए देखा होगा एक क्लीनिंग सॉल्यूशन से. जब आप उस क्लीनिंग सॉल्यूशन को अपने हैंड्स पे अप्लाई करोगे, यू विल फील वेरी स्लिपरी टच आफ्टर रबिंग अगेन एंड अगेन. ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स?
क्योंकि इस विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशन के अंदर एक बेस प्रेजेंट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट चॉक, जिसे हम डेली लाइफ में ब्लैक बोर्ड पे राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, व्हेन यू डिसॉल्व अ चॉक इनटू वाटर, यू विल गेट अ बेसिक सॉल्यूशन, जिसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट सॉल्ट। आपने देखा होगा कि जब कोई चींटी आपको काटती है, उसके बाद अगर आप बेकिंग सोडा अप्लाई करोगे तो आपको रिलीफ फील होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चींटी आपकी बॉडी में एक एसिड रिलीज करके चली जाती है, उसके ऊपर अगर आप एक बेस अप्लाई करोगे तो वो दोनों मिलके क्या बना लेंगे? एक सॉल्ट। बिकॉज एसिड एंड बेस कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स?